दवाई लिए, वहां से हमने दवाई लेके हम चले सीधे। हमने वो जखोपुर पास किया था और जखोपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी, और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई, फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़ाई हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गांव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। मुझ पे हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया, और मारकर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया जिसमें कुछ बाहर के लोग, उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का जिसका नाम कालू उर्फ सनोक राजन, और जो ये गांव के हैं आपके, जो गांव के अडवाणी और पटवारी और जी सर और क्या नाम है उनका, ऋषि कुलदीप और जी कुलदीप और जी सोनू और भीम और महेंद्र और जी सर एक का नाम है वो अनु। टोटल कितने, लगभग कितने बंदे होंगे जो टोटल लगभग सब समय जो बाहर से काफी लोग आए हुए थे, काफी लोगों में बाहर के लोग कम से कम 15 से 20, 40, 30 से 35 तो कम से कम होंगे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था हमारे साथ। हमें कोई भी इस चीज की कोई भी पता नहीं थी, नहीं हमें कोई रंजिश थी उससे, नहीं कुछ था, कोई पहले कभी छोटी मोटी रंजिश हुई थी, और हमें कोई ऐसा एतबार नहीं था कोई हम पे हमला कर देगा। हम तो सीधे दवाई लेके लिए घर के लिए निकले थे, और रास्ते में इन्होंने हमला किया और हमारे भाई को खत्म कर दिया।